तो हम बात कर रहे हैं अपनी सेकेंड टॉपिक। पिछले टॉपिक में हमने आपके साथ बात की शॉर्टकट्स के बारे में, हमने बात की लिमिटेशंस के बारे में, हमने बात की एक्सेल टेम्पलेट में दिए गए फीचर्स के बारे में, जिससे आप अपना एक थिंकिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। अब बात करते हैं कैलकुलेशन, मैथमेटिकल कैलकुलेशन। अब बात जानते हैं कि मैथमेटिकल कैलकुलेशन की क्या ज़रूरत है। देखिए एक्सेल में जैसे कि अगर हम कैलकुलेशन करते हैं, हमारे पास मान लीजिए कि 20 है और यहाँ पे 30 है, मुझे इन दोनों को आपस में ऐड करना है। तो ऐड करने के दो तरीके, एक तो है इनबिल्ट फॉर्मूला सम, सम लगाया और इसको आपने ऐड कर दिया, ठीक है, ओके, रिजल्ट आ गया। दूसरा आता है कि आप इसमें अभी आपने आपने सर आपने सम टाइप नहीं किया, आपने आप आया वो कैसे आया? हाँ तो यही चीज तो बता रहे हैं ना सर, बेसिक में ही चीज तो आता है, लेकिन आप बोलते हैं बेसिक छोड़ दीजिए। देखिए जब भी फॉर्मूला टाइप तो अभी आ गया ना सर, ठीक है, जब भी आप फॉर्मूला टाइप करते हैं तो नीचे एक्सप्रेशन आता है, आप सेलेक्ट कीजिए और टैब प्रेस करते अपने आप आ जाए। हाँ हाँ ठीक है सर, ठीक है ना। अब यहाँ पे प्लस कीजिए, एंटर मारिए, आपका 50 आ गया, राइट। दूसरा हमने क्या किया, इसको इसमें हमने प्लस कर दिया, प्लस करके किया तो आपका 50 आ गया, आ गया। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, आप सोचिएगा, ये मत सोचिए कि मैं सम पढ़ा रहा हूँ चाहे प्लस माइनस पढ़ा रहा हूँ। प्रॉब्लम क्या होती है कि जब आप अपनी खुद की कोई कैलकुलेशन करते हैं, कुछ आपको कैलकुलेट करना है, अब उस कैलकुलेशन के लिए एक्सेल में हो सकता है कि इनबिल्ट फॉर्मूला ना हो, समझे? अच्छा, या हो सकता है कि इनबिल्ट फॉर्मूला है लेकिन उसकी कैलकुलेशन और आपकी कैलकुलेशन में थोड़ा डिफरेंस हो, ओके, उसका कैलकुलेशन प्लस करता हो, आपका कैलकुलेशन माइनस करता हो, ऐसे चेंजिंग हो सकते हैं ना सर। सही बात, वहां पे हम मैथमेटिकल ऑपरेशन का इस्तेमाल करते हैं जो कि है प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड और एक पावर। पावर क्या है? शिफ्ट के साथ हमने 6 प्रेस किया तो हमारा पावर। अच्छा सर, मेरे एक्सेल शीट में ये फॉर्मूला नाम का हेडिंग नहीं आता है। क्या नहीं आता है? ये फॉर्मूला जो आपका हेडिंग आया है पेज लेआउट के बाद, मेरी एक्सेल शीट में तो ये लेआउट नहीं आता है। क्या आता है अभी बताता हूँ सर आपको, एक मिनट मैं बताऊँ क्या आपको, अभी रुको सर बताता हूँ। अच्छा फार्मूला है इसमें, मैंने देखा नहीं, ठीक है सर, सॉरी। तो ये जो आपको मैथमेटिकल कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, तो इसमें कैलकुलेशन आप ऑपरेटर समझ गए, ए प्लस है, ए माइनस है, स्टार जो है, मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, ये आपका पावर, ये आपको शिफ्ट के साथ 6 प्रेस करने पे आएगा। शिफ्ट और 6 कीबोर्ड का 6, देखिए कीबोर्ड में परसेंटेज के बगल में। हाँ ठीक है सर, ठीक है सर। जैसे आपको 10 स्क्वायर करना हो तो 10 और ये सिंबल दे दीजिए, 2 दीजिए, 10 स्क्वायर होकर अंदर आ जाए, ठीक है सर। अब जैसे कि मेरे पास एक मैथमेटिकल है कि मेरे पास क्वार्टर 1 है और क्वार्टर 2 है, क्वार्टर 1 में 50 है, क्वार्टर 2 में 60 है। अब मुझे निकालना है ग्रोथ, क्या निकालना है? ग्रोथ। अब ग्रोथ निकालने के लिए हमें क्या करना, तो ग्रोथ निकालने के लिए हमें हमें मैथमेटिकल जो सिंबल उसका अप्लाई करना। तो मैथमेटिक कहता है कि लेटेस्ट माइनस ओल्डेस्ट डिवाइड बाय ओल्डेस्ट, राइट सर, ओके। तो मैं यहाँ क्या करूँगा कि ब्रैकेट में, क्योंकि बोर्ड मास मेथड को फॉलो करना है, लेटेस्ट माइनस ओल्डेस्ट डिवाइड बाय ओल्डेस्ट, रिजल्ट आ गया और यहाँ पे आप रिजल्ट दे सकते। अब ये चीज तो आपको नहीं, अभी रुको सर, इसमें आपने परसेंटेज भी अपने आप आ गया और इसके अंदर आपने ब्रैकेट पे अपने आप नहीं लगाया, परसेंटेज अपने आप नहीं, स्क्रीन को ध्यान से देखिए, मैंने परसेंटेज के सिंबल पे क्लिक किया है, मेरे माउस पे नजर रखिएगा कि मैं कहाँ क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है। और ये फार्मूला लगा आपने, सिंपल तरीके से फार्मूला लगाया, ब्रैकेट लगाया ना, ब्रैकेट आपने अपने आप नहीं लगाया, अपने आप आ गया। नहीं ब्रैकेट लगाया है, कुछ अपने आप नहीं आया, सब टाइप करना पड़ता है सर। अच्छा ठीक है सर, यही पूछना था, ठीक है आगे चलते हैं।
और यहाँ पे हमने परसेंटेज पे क्लिक किया, परसेंटेज आ गया। अब चलिए इसको थोड़ा सा और डिटेल में लेके चलते हैं, थोड़ा सा और एडवांस करते हैं। तो मेरे पास क्या है कि मुझे एक कैलकुलेशन है, मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। इसे पी है, माने प्रिंसिपल मेरे पास 50,000 है, रेट मेरे पास मान लीजिए 10% है, और टाइम जो है मान लीजिए 5 साल, और मुझे मंथली कैलकुलेशन करनी है और यहाँ अमाउंट निकालना है। तो अमाउंट निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कि अमाउंट इक्वल टू, ये मैथमेटिकल फॉर्मूला, एक्सेल से कोई लेना देना नहीं इसको, ठीक है। प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय 1 + r / n पावर ऑफ पी मल्टीप्लाई बाय n, ठीक है। और इसमें n क्या है, तो क्योंकि हम मंथली कैलकुलेशन कर रहे हैं तो m पीरियड होता है, जिसको मान लेते हैं 12। ओके, क्योंकि महीने साल में 12 महीने होते हैं ना, अगर ये ईयरली होगा तो 1, क्वार्टरली होगा तो 4, डेज के हिसाब से होगा तो 365। अब इस फॉर्मूले को कैसे हम करेंगे, जैसे मैथमेटिक्स में हम एक साथ नहीं करते हैं, हम तोड़ तोड़ के करते हैं ना, ऐसे भी यहाँ तोड़ के करेंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ देंगे 1 + और ब्रैकेट में हमने लिया और लिखा r/n, मतलब कि n इट मीन्स 12, 1 + r/10, तो हमारे बीच की कैलकुलेशन हो गए। कैलकुलेशन में आप ध्यान रखिएगा ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं। अब ब्रैकेट के इस्तेमाल क्यों करेंगे, अब एग्जांपल के लिए बताता हूँ कि यहाँ देखिए 2 + 2 / 2, क्या रिजल्ट आना चाहिए आपके हिसाब से, 3 देगा वैसे तो मेरे ख्याल से, तो जी हाँ 3 क्यों देगा, बहुत सारे लोग बोलते हैं 2 क्योंकि वो जोड़ते हैं 2 + 2 = 4, 4 / 2 = 2, लेकिन यहाँ पे वो बोर्ड मास मेथड भूल जाते हैं क्योंकि 2 / 2 = 1 और यहाँ पे ये हुआ। तो आपको जो आपकी जो कैलकुलेशन सीक्वेंस है उसके हिसाब से आपको क्या करना होगा, ब्रैकेट इस्तेमाल करना होगा। जैसे मुझे पहले 2 + 2 करके फिर डिवाइड 2 करना है, समझे। ओके, इसलिए यहाँ भी हमें बोर्ड मास मेथड लगाया। अगर मैं यहाँ ब्रैकेट ना लगाता तो A7 को A7 से डिवाइड कर देता और 1 रिजल्ट देता, B7 माइनस कर देता, मेरा परसेंटेज कभी नहीं आता, क्योंकि मुझे जो डिवाइड करना है और डिफरेंस को डिवाइड करना था। तो इसलिए जब भी कैलकुलेशन, इसमें एक प्रॉब्लम है कि अभी इसी पे अगर आते हैं 20% वाले पे क्लिक करो, 20% वाले पे, इसको अगर हम A7 को ही अगर डिवाइडेड बाय 2 करना हो और फिर A/7 करना हो तो कैसे करेंगे सर, क्या बोले, A7 को डिवाइड बाय 2 करना हो तो? अब सिंपल है, आप यहाँ क्या करेंगे, पहले ब्राइक, ऐसे प्रॉब्लम हो तो ब्रैकेट यूज कीजिए कि A से आपका A7 डिवाइडेड बाय 2 और फिर डिवाइडेड बाय A7 हो गया। नहीं नहीं, आप 20% पे आओ, 20% वाले पे ही आओ। अब इसको जो A7 ब्रैकेट के अंदर है इसको डिवाइडेड बाय 2 करना है, करके दिखाओ। हाँ तो इसी में कर लीजिए डिवाइडेड 2, क्या दिक्कत हो जाएगा। हाँ क्योंकि डिवाइड पहले होता है ना, माइनस बाद में होता है। देखिए अब इसको देखना है कि कैसे वर्क कर रहा है, तो फॉर्मूला वार में आप जाएंगे, यहाँ एवलेट फॉर्मूला होता है, देखिए दिख रहा है। तो पहले क्या किया, सिर्फ यहाँ पे अंडरलाइन दिख रहा है, 50 / 2 रिजल्ट आया 25, 60 - 25 और फिर उसको डिवाइड कर दिया A7 से। ओके ओके, समझ गए। तो कैलकुलेशन की दिक्कत नहीं, जैसे मर्जी कर सकते, बस आपका जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन का जो सीक्वेंस है ना, वो सीक्वेंस को फॉलो करने के लिए ब्रैकेट का इस्तेमाल करना। जैसे मैं चाहता हूँ कि नहीं, B7 A7 को माइनस करके फिर 2 से डिवाइड करे, तो मुझे स्पेशली इसको अलग ब्रैकेट में रखना होगा, समझे। अब क्या होगा, B7 में से A7 को माइनस करेगा, रिजल्ट को 2 से डिवाइड करेगा, फिर जो रिजल्ट आएगा उसको A7 से डिवाइड करेगा। तो अपनी कैलकुलेशन को इसी हिसाब से कीजिए। तो यहाँ पे वापस आते हैं कि हमने यहाँ पे 1 + r/n किया, r/n को हमने ब्रैकेट में डाल दिया क्योंकि ये अलग कैलकुलेशन है इसलिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ t मल्टीप्लाई बाई एन है,
तो यहाँ टाइम को मल्टीप्लाई कर दिया 12 से, क्योंकि एन हमारा 12 है। अब फिर इन दोनों का पावर है, किसका पावर है, 1 + r² / n पावर ऑफ t मल्टीप्लाई बाई एन। तो यहां हम पावर का जो सिंबल है वो लगा के इन दोनों का पावर निकाल देते हैं। नहीं, पावर का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। हाँ कर सकते हैं फॉर्मूला, लेकिन हम पावर का सिंबल इस्तेमाल कर रहे हैं, फॉर्मूला थोड़ा बड़ा हो जाएगा ना सर। नहीं सर, अब आपको पावर में रखना होगा, इसे पावर यहां देखिए हाँ इक्वल पावर। अब पावर फॉर्मूला देंगे तो कितना करेक्टर हो गया, 6 करेक्टर हो गया ना, कॉमा, ये बड़ा नहीं दिख रहा आपको। और क्या सिंबल बड़ा क्या, हुआ सर? सिंबल क्या कर रहा है कि इसको स्लैश करके इसको इसको करके देखिए, समझ में आया कितना छोटा है। नहीं, अगर बाई चांस वो तो पावर आपने, अच्छा तो पावर कोई भी कर सकते हैं, 13, 13, 2, 5, 6 कुछ भी कर सकते हैं ना। हाँ तुम ओके इसके पास ओके जो पावर फॉर्मूला वर्क करता है पावर का सिंबल वर्क करता है, जैसे कि ठीक यहाँ है सर, सम का फॉर्मूला सम करता है, ऐसे ही है ए प्लस प्लस करता है। ठीक ठीक है सर, है, ठीक है। अब ऐसा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अभी अभी आपको पता चलेगा कि मैंने पावर फॉर्मूला क्यों नहीं लगाया, वो भी मैं बता रहा हूँ। ठीक है, हाँ उसके बाद इस सारा कैलकुलेशन को पी से, मतलब कि 50,000 से मल्टीप्लाई करना, तो 50,000 मल्टीप्लाई बाय, हमने इसको सेलेक्ट किया और एंटर प्रेस किया, देखिए हमारा मल्टीप्लाई हो गया सर। तो फाइनल रिजल्ट ओके हमारा ठीक 82,265 है। बट प्रॉब्लम क्या है। है कि प्रॉब्लम ये है कि इस सारे को मुझे एक सेल में यहां रखना है, ओके समझे, क्योंकि हमने अलग अलग फॉर्मूला बनाया ना, लेकिन मुझे एक सेल में करना है। अब यहां पे आता है फॉर्मूला मर्जिंग मेथड, यहां से देखिएगा। तो ए फॉर्मूला इससे लिंक है, ए फॉर्मूला इन दोनों से लिंक है। तो ए क्या है आपका, ठीक डी है, थर्टीन है, क्या है, D13 और E13। तो D13 पे गया, ब्रैकेट को छोड़कर हमने इसको कॉपी किया और जहां D13 था वहां पे आके मैंने इन द ब्रैकेट पेस्ट कर दिया, मतलब मैंने उसकी फॉर्मूले को उठा के इसी के अंदर डाल दिया। कैसे डाला, देखिए E13 में आया, E13 का फॉर्मूला इक्वल के बाद से कॉपी किया और जहां यहां जहां E13 है वहीं पे उसका फॉर्मूला मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है, मतलब ओके इन दोनों को मैं डिलीट कर सकता हूं। और फिर यहां पे हमने इसको कॉपी किया और यहां पे F13 में पेस्ट करके एंटर मार दिया। अब इसको कर दिया, अब इसको कॉपी करके नहीं, इसको कट करके यहां ला लेंगे ताकि इसका जो रेफरेंस है वो इंक्रीज डिक्रीज ना हो। अच्छा, कट में रेफरेंस चेंज नहीं होता है। जी हाँ, आपके सामने रिजल्ट आ गया। अब इतना लंबा ओके फॉर्मूला में हो सकता था कहीं ब्रैकेट घट जाए बढ़ जाए, लेकिन यहाँ पे हमने अपने इस मेथड से हमने आसानी से लगा दिया। और यहाँ पावर का फॉर्मूला लगाते तो थोड़ा बड़ा हो जाता, लेकिन यहाँ देखिए सिंपल हो गया फॉर्म लगाने से ऑपरेटर। ठीक है, ठीक है जी, ठीक है जी। तो हम कुछ मैथमेटिक्स का इक्वेशन आपको भेज रहे हैं, अगर आपके पास टाइम है तो कैलकुलेट करके दीजिएगा। ठीक है सर, ठीक है जी, तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन में आपने समझा कि मैथमेटिकल फॉर्मूला को हम कैसे यूज करेंगे बिना एक्सेल की इनबिल्ट फॉर्मूला इस्तेमाल किए। ठीक है, इसी क्लास को हम कल कंटिन्यू करेंगे आपके साथ। ठीक है सर, क्योंकि ठीक है जी। टाइम अप हो गया, 40 मिनट हो गया।